What's up guys, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक करता हूँ सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइज यार, आज मैं सुबह सुबह अपनी साइकिल को लेकर घूमने के लिए बाहर निकला हूँ, क्योंकि आज सुबह सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना साइकिल को लेकर घूमने के लिए चला जाए। वैसे गाइज यार, आप लोग जरा ये मौसम देखो यार, मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। और गाइज यार, आज तो मुझे बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं और आज मुझे नहाना पड़ेगा, क्योंकि यार बहुत दिनों से मुझे नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। चलो गाइज यार, थोड़ा ना ही लेते हैं। गाइज यार, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये पानी इतना ज्यादा ठंडा होगा। पता नहीं, मौसम तो बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन ये पानी इतना ठंडा क्यों है। गाइज यार, मैंने इस ठंडे पानी में नहा तो लिया है, फटाफट यहाँ से बाहर निकलते हैं और शायद आज मैं अपने घर से बाहर घूमने के लिए भी जा सकता हूँ। तो इसीलिए आज मुझे कुछ नए कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से मैं यही वाले पुराने कपड़े पहन रहा हूँ। ओके, तो गाइज यार फाइनली मैंने आज नए कपड़े पहन लिए हैं और मैं कैसा लग रहा हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। और गाइज यार, हाँ आज तो मैंने न्यूज भी नहीं देखी है। वैसे मैं रोज सुबह उठने के बाद न्यूज देखता हूँ। तो चलो यार, जल्दी से टीवी को स्टार्ट करते हैं और न्यूज देखते हैं। सुबह सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूँ टिल्लू खबरी, और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं आपको रोज हमारे शहर की न्यूज देता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की सबसे पहली न्यूज की तरफ। तो आज की सबसे पहली न्यूज है कि हमारे शोरूम से गोल्डन कार चोरी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वही 1 करोड़ की गोल्डन कार जो हमारे शोरूम के अंदर थी, कल रात उसे चोरी कर लिया गया है। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और ये खबर हमारे शहर के सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा डराने वाली है, लेकिन इस खबर के बारे में शहर के सभी लोगों को तो पता होना चाहिए। तो कल रात हमारे शहर से बाहर 4 लोगों की लाशें मिली है और 2 लोग घायल पाए गए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि घायल लोगों ने कहा है कि उन पर हमला एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल ने किया था और इस हमले में उनके 4 साथी मारे गए। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी शहर से बाहर जाना चाहते हो तो अभी रुक जाइए, क्योंकि अब हमारे शहर में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल आ चुकी है। दोस्तों ये क्या यार, हमारे शहर के शोरूम से वो गोल्डन कार गायब हो चुकी है, क्योंकि यार मुझे अपने दोस्त के साथ उस कार को देखने के लिए जाना था, लेकिन यार वो कार तो वहाँ से चोरी हो चुकी है और अब वहाँ जाने का कोई भी फायदा नहीं है। और गाइस यार, मैं तो भूल ही गया कि हमारे शहर के अंदर एक चुड़ैल भी आ चुकी है, लेकिन ये चुड़ैल हमारा क्या ही कर लेगी, क्योंकि यार मैं तो हफ्ते में एक ही बार नहाता हूँ। ये तो कुछ मैच न हुआ। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी वो चुड़ैल यहाँ पर नहीं आने वाली, क्योंकि गाइज यार आपको तो पता होगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी पुलिस की चौकी है और आपको यहाँ पर हर टाइम कोई ना कोई पुलिस वाला देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन इतने पुलिस वाले होने के बाद भी हमारे शोरूम से वो गोल्डन कार गायब हो चुकी है, और इससे लगता है कि ये पुलिस वाले किसी भी काम के नहीं है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो चुड़ैल हमारे शहर के अंदर भी आ जाएगी। अरे गाइज यार, मैं तो भूल ही गया कि मुझे अपना सामान लाने के लिए बाजार जाना था। तो चलो यार गाइज, अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं और सीधा मार्केट की तरफ निकलते हैं। और गाइज यार, आप लोग जरा यहाँ पर देखो, ये वाली सुपर बाइक मैंने 2 महीने पहले ही खरीदी है। वैसे ये दिखने में कैसी है आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता देना। अरे अरे भाई, तू यहाँ आगे कहाँ जा रहा है। अरे वाह गुल्लू, तू इतने दिनों बाद यहाँ कैसे दिखा। अरे भाई, मैं तो पुलिस वाला हूँ, मैं तो यहीं दिखूंगा ना। अरे मैं तो भूल ही गया कि तू तो एक पुलिस वाला है। और तू बता, तू आगे की तरफ कहाँ जा रहा है। अरे गुल्लू भाई, मुझे मार्केट से सामान लाने जाना है। अरे भाई मेरी बात मान, तू आगे की तरफ मत जा। क्यों भाई, आगे क्या हो गया। अरे तूने वो न्यूज तो सुनी होगी ना कि हमारे शहर के अंदर एक चुड़ैल आ चुकी है। हाँ मैंने सुबह सुबह न्यूज में सुना तो था। तो भाई वो चुड़ैल अब हमारे शहर के अंदर भी आ चुकी है और अभी अभी उसने 3 लोगों को और मार दिया है। क्या, 3 लोगों को और मार दिया है। भाई ये चुड़ैल है या फिर कोई कसाई, ये तो लगातार ही लोगों को मारती जा रही है। भाई तू भी मेरी बात मान, तू भी यहाँ से घर की तरफ लौट जा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो चुड़ैल तुझ पर भी हमला कर दे। हाँ यार गुल्लू, वैसे बात तो तेरी ठीक है, मुझे यहीं से सामान लेकर अपने घर की तरफ जाना चाहिए। और सुन, रास्ते में थोड़ा ध्यान से जाना, आजकल चोरी भी बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ वैसे यहाँ पर चोरी चकारी तो बहुत ही ज्यादा हो रही है। अरे यार तू पुलिस वाला है, थोड़ा ध्यान तो दे इन चोरों पे। अरे भाई मैं इन चोरों का अब क्या करूँ, अगर मैं यहाँ चुड़ैल में ध्यान दूंगा तो पीछे से ये लोग चोरी कर देते हैं। अब तू ही बता यार, मैं करूँ तो करूँ क्या। तू अपना काम कर, मैं तो अपने घर की तरफ निकलता हूँ। गाइज यार, जिसका डर था वही हुआ, देखो अब वो चुड़ैल भी हमारे शहर के अंदर आ चुकी है। और पता नहीं यार हमारे शहर के अंदर और कितने लोग मरने वाले हैं, पता नहीं हमारे शहर के अंदर और क्या क्या होने वाला है। और गाइज यार, इससे आगे की कहानी आपको पार्ट 2 के अंदर देखने को मिलेगी। और
और पार्ट टू देखने के लिए सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।